राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार पर असफल रहने का आरोप लगाया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद जवाब देने मैदान में उतरी बीजेपी ने खूब पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कई आरोप लगाए। देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर राहुल गांधी ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है, पीएम कोरोना को समझ ही नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई वो भी झूठ है, सरकार को सच बोलना चाहिए। ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा, म्यूटेट कर जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केवल वैक्सीनेशन ही बचाव है, लेकिन मोदी सरकार की वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी कुप्रबंधन और गलतियों का खतरनाक कॉकटेल हो चुकी है। हमलावर राहुल गांधी ने कहा सरकार समझ नहीं रही कि वो किससे मुकाबला कर रही है। इस वायरस के म्यूटेशन के खतरे को समझना चाहिए। आप पूरे ग्रह को खतरे में डाल रही हैं, क्योंकि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं और केवल 3% लोगों को टीके लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा तो हम कोरोना वायरस से जीत नहीं पाएंगे, बल्कि अभी दूसरी लहर आई है, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी लहर भी आएगी। वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है, मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता है। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना से मौतों के गलत आंकड़े बताए गए हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, मैंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। मैंने उनसे कहा कि झूठ बोलने से उन्हें ही नुकसान होगा। मौतों के वास्तविक आंकड़े डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हमें सच ही बोलना चाहिए। झूठ बोलने से नुकसान होगा जरूर, डेथ रेट सच्ची दिखेगी तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी जरूर, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम वायरस को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर से, बाकी चीफ मिनिस्टर से बात की और कहा, देखिए आप लोग सच्चाई रखिए, क्योंकि सच्चाई हमारा दोस्त है, सच्चाई से हमें फीडबैक मिल रहा है, सच्चाई हमारी मदद करेगी। अगर कोरोना से लड़ना है तो सच्चाई हमारा दोस्त है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन मोदी सरकार के आपराधिक कुप्रबंधन और वैक्सीन की गड़बड़ियों से आम भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ गया है।
केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर हमलावर राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे देशों ने मई 2020 में ही वैक्सीन खरीद के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने भारत को नाकाम कर दिया। इधर राहुल गांधी के हमले का जवाब बीजेपी ने भी दिया। राहुल गांधी के कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार बताने के आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे कि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने दो वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि दिसंबर तक भारत में 216 करोड़ नए टीके आएंगे, जो 108 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लगेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी भय फैलाने का कार्य न करें, भारत सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला आज दूसरा देश है। जाहिर है देश में कोरोना संकट बना हुआ है और इस बीच राजनीतिक घमासान के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी खूब पलटवार किए हैं। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।